बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। सुबहानलजी सखर अलनाहा कुन्ना लहू मुकरिनीन वइन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून। तो अभी हम पहुँचे हैं मेन स्ट्रीट स्कर्दू में। आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा जिसमें हमने देवसाई किया है। तो अभी हमारा जो प्लान है वो कुरपोचो फोर्ट का, जो कि उम्मीद है हम 10-15 मिनट में कुरपोचो फोर्ट तक पहुँच जाएँगे, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा नज़दीक ही। बड़ा रश कश वाला एरिया है यार, शादी का फंक्शन है इस वजह से यहाँ रश। घर पहुंचो देर, फिर उधर से रिटर्न करने आप लोगों ने राइट लेफ्ट वाले हैं ना, उनका वो है, फिर एक शाइन ग्रोन ग्रोन एक आएगा, फिर ग्रोन के आपको नजर आएगा, नजर आ जाएगा, छोटा सा पहाड़ एक है। कितना रास्ता है इधर से घर पहुंचो का, कितना रास्ता है? 2 मिनट, 3 मिनट, 3 मिनट, 3 मिनट से ज्यादा नहीं, ऊपर फोर्ट तक। फोर्ट में आधा घंटा लगेगा। बाइक चली जाएंगी? बाइक नहीं जाएगा भाई, पैदल जाना पड़ेगा आपको। अच्छा, आगे तो थोड़ी देर जाएगी, जगह तक बाइक पहुंच जाएगी। तो अभी हम जा रहे हैं कुरपोचो फोर्ट, कोई इतना दूर नहीं है कुरपोचो फोर्ट, तो देखते हैं आपको कुरपोचो फोर्ट आज दिखाते हैं। स्कर्दू ने तो इम्प्रेस किया है। आगा हादी चौक ऑफिस कर, पहले चौक से सीधे जाना है। और ठीक है, खैर खैर कर पहुंचो। याया भाई मिले हैं अभी, तो इनकी काफ़ी वीडियोज हमने देखी हैं। नारायण कगान से ये हिट हुए थे और माशाल्लाह आज इनके अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं वीडियो। तो अभी हम रस्ते में हैं कुरपोचो फोर्ट के, अभी चलते हैं कुरपोचो फोर्ट। यार क्या रोड बनी हुई है इधर, यार ऐसा लग रहा है इस्लामाबाद में मैं घूम रहा हूँ, इतनी ज़बरदस्त रोड है। और सामने व्यू तो आउटस्टैंडिंग आ रहे हैं यार, पहाड़ों के जो व्यू आ रहे हैं ना बड़े खूबसूरत आ रहे हैं माशाल्लाह से। ये स्कर्दू की शायद मेन मार्केट है और एसकॉम की सर्विस यहाँ ठीक आ रही है यार, अभी मैंने चेक की थी एसकॉम के सिग्नल आ रहे हैं यहाँ। यहाँ शायद खेल जा रही है, इस पर लोग आ रहे हैं चेक करें, ओए 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 इंटरेस्ट चेक करें इनका यार, खेलने वाले भी इतने ज़्यादा और देखने वाले भी उतने ही हैं, अच्छे खासे बंदे अंदर खेल रहे हैं। अच्छा ये रास्ता जाता है देखते हैं कितना ऊपर तक हम जा सकते हैं कुरपोचो फोर्ट। तो यहाँ से रास्ता जा रहा है कुरपोचो फोर्ट का, यहाँ से शायद पैदल जाना पड़ेगा। भाई कुरपोचो फोर्ट की चढ़ाइयाँ स्टार्ट हैं। बड़ी दासु किस्म की चढ़ाइयाँ हैं यार,
अदनान बस रुकी ना, रुकेगा मैं भी जाऊंगा। रुकी ना भाई, कुरपोचो फोर्ट की चढ़ाइयाँ स्टार्ट हो गई हैं और वहाँ हमने बाइक्स खड़ी किए हैं और अभी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे हैं। चढ़ाई यहाँ से है तकरीबन आधा ही घंटा, तो निकलते हैं। यहाँ से आपको मैं व्यू दिखाता हूँ, कर दूँगा। अभी 10 मिनट से 15 मिनट हो गए हमें आए करते हुए और हम काफ़ी ऊपर आ गए। अभी जाना है इससे और ऊपर तक, वो ऊपर से अच्छा खासी चढ़ाई अभी चढ़नी है। उम्मीद है हम टाइम से नीचे आ जाएंगे, कुछ नहीं खत्म होने से पहले, लेकिन हालात नहीं लग रहे, तो चलते हैं। अभी ये लेक चेक कर रहे हैं, बिल्कुल ब्लू सी है और इससे नेक्स्ट वन वाली जो है वो थोड़ी मिट्टी। चेक करें बिल्कुल ब्लू, जबकि आप वो चेक करेंगे वो इतनी ब्लू नहीं है मिट्टी वाली। तो चलते हैं, अभी ट्रैक कंटिन्यू करते हैं। ट्रैक जो है आप देख सकते हैं इस टाइम अच्छे खासे बड़े बड़े पत्थर हैं और चढ़ाई पे चढ़ाई है, हाइट गेन करते जा रहे हैं हम इससे, और इंशाल्लाह 10-15 मिनट में हम खड़पोचो फोर्ट पहुंच जाएंगे। खड़पोचो खड़पोचो ने खड़ पहचान कर दिया। ये वही आखिरी 2 घंटे दे साई वाले, इस तरह आखिरी 2 घंटे गुजरे आज, सेम वही सीन आ रहा है। कुरपोचो, तो अभी हम कुरपोचो फोर्ट पहुंच चुके हैं, तकरीबन 20 से 25 मिनट की हाइक के बाद। यहाँ से नज़ारा चेक कर कितनी ऊंचाई पे है, सांस फूला हुआ इस टाइम क्योंकि चढ़ाइयाँ बहुत है यार, अच्छी खासी चढ़ाई। और हम कुरपोचो फोर्ट पहुँच चुके हैं। ये भाई भागते हुए आ रहे हैं, इनको जल्दी है जाने की, इनकी भी बस हो गई है। अभी हम कुरपोचो फोर्ट के दरवाजे के बाहर, 25 मिनट का ट्रैक है तकरीबन 25 ही, पहुँच गए हैं। यहाँ से आपको भी चेक कर, कमाल है। कौन सा राजा? इधर स्कर्जू का, स्कर्जू का राजा था। हाँ। किस दौर में? वो 800 ईस्वी में। अच्छा। हाँ। बिल्कुल मजबूत है अभी तक? अभी तक मजबूत। हाँ। तो ये गारा बनाया है, किस तरकीब से बनाया है अभी मालूम नहीं है। अभी गारा बनाया है वो भी किनारे से चलता है, वो भी गारा का शुमार होता है। पहले पाऊँ उधर डरता था, वो भी ठीक ठाक, वो भी खबीर बनाया था। अगर अभी टाइम ठीक खाई है, कैसी खाई है?
कोई ख्वाहिश है ही नहीं है भाई, हम निकल जाते हैं रास्ते से। तो कुरपोचे फोर्ट की एंट्री हमने कर ली, अब यहाँ से कुरपोचे फोर्ट का आपको व्यू चेक कर। राजा ने चलो कम से कम एक अच्छा काम तो किया है यहाँ, बड़े कमाल के व्यू आ रहे हैं। आपने देखी होगी कमाल का यार फोर्ट है, काफ़ी ऊंचा है यहाँ स्कर्दू का पूरा टोटल व्यू आता है यहाँ, बड़ा प्यार। ये चेक कर, पूरा स्कर्दू यहाँ से नजर। चलते हैं आगे। तो किले की हिस्ट्री यही है कि राजाओं का था, कि मुग़लों ने भी यहाँ कब्ज़ा करने की बड़ी कोशिश की लेकिन यहाँ कब्ज़ा नहीं कर पाए। और यहाँ यह अभी रेस्ट हाउस बन रहा है और बिल्कुल टॉप पे, इससे बल्कि ऊपर भी है टॉप, लेकिन जिधर अभी हम खड़े हैं ये भी अच्छी खासी ऊंचाई पे यहाँ बन रहा है रेस्ट हाउस। और किले की ये जो साइड है भी हम यहाँ जाते हैं, यहाँ से और ऊपर से व्यू आएगा। यहाँ से बड़ा खूबसूरत व्यू आ रहा है खुद पहुँचूगा। ये चेक करें मेरी बैक साइड पे पूरा स्कर्दू यहाँ से नजर आ, और इससे भी टॉप पे आप वहाँ जा सकते हैं, वो जो ऊपर है यहाँ वो डंडा सा लगा हुआ है, यहाँ लगता था झंडा जिसकी हुकूमत होती थी, जिसकी हुकूमत जब चली जाती थी ना इसकी निशानी ये होती थी कि जब झंडा चेंज हो जाता था दूसरी हुकूमत आ जाती थी और दूसरे की ख़त्म हो जाती थी। बहुत बड़ा है तो वहाँ तक इसकी जाती है हदूद वहाँ से, और तकरीबन ये पूरा कुरपोचे फोर्ट। तो अभी हमारा ये वापसी निकलते हैं, रात भी हो रही है तो उस कर्दू में जाके रूम भी ढूंढना रहने के लिए, तो अभी निकलते हैं यहाँ से। हुकूमत होती है वहाँ उसका झंडा लगता था कब तकरीबन 200-300 साल पुराने, ये इसकी हुकूमत है ना, तकरीबन 200-300 साल पहले की बात है यहाँ हुकूमत। कितने साल हो गए आपको यहाँ? 30 साल इस जगह। माशाल्लाह, इस वजह से मेरे टंग का ज़्यादा तेज़ी भाग सकता है, मैं सर्दी का मुकाबले ज़्यादा किया था, 3 फुट 2.5 फुट बर्फ आता था इधर इधर आता था। अभी होगा सर्दियों में? हाँ जी सर्दियों में होता है आगे, सर्दी में आता है। अच्छा आप इधर ही होते हैं? हाँ हाँ मैं सर्दी में वो बन नहीं होता हर वक्त खुला होता है। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके दुआ में याद रखना, ओके अल्लाह हाफिज़।
पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मगरिब का टाइम भी हो गया, अज़ानें शुरू हैं। तो अभी बस निकलते हैं, सामान तो तैयार ही है, बस कपड़ा उतारना, बाइक से फिर निकलते हैं यहाँ से। पहले चढ़ाई थी, अब उतराई है, अभी देखते हैं हम, थोड़ी मुश्किल होगी लेकिन इंशाल्लाह हम कर जाएंगे। बिस्मिल्लाह, स्लिपरी होगा ना, बड़े बड़े पर। अभी संभले हैं, तो अभी हमारा वापसी का सफ़र स्टार्ट हो गया। तो उम्मीद है हमें टाइम से रूम मिल जाएगा यहाँ स्कर्दू मेन सिटी में। तो बहुत ज़बरदस्त रहा आज का दिन और ये ब्लॉग, उम्मीद है आपका पसंद आया होगा। आज हमने तो अभी हम जा रहे हैं रूम ढूंढने, उम्मीद है रूम मिल जाएगा। दो भाई आके मिले हैं यहाँ, कह रहे कि हमारे होटल है, हमारी तरफ आ जाओ। तो अभी हम अंदर ही जा रहे हैं। अस्तौर भी मौसम ठीक था और यहाँ भी स्कर्दू भी मौसम ठीक है। तो इतना कोई इशू नहीं है यहाँ। आखिरकार हम अपने मंजिल पे पहुंच गए हैं, यहाँ हमने रूम लिए। आज के लंबे सफ़र के बाद रात के खाने में आज हमारे चिकन और साथ माश की दाल। उम्मीद है आज आपको क्रोपोचो फोर्ट का जो ब्लॉग है वो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करना है और भाई को दुआ में याद रखना है। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।